नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड में परसेंटेज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप फाइव, किसी वस्तु की कीमत एक्स रुपए से वाई रुपए हो जाए, किसी वस्तु की कीमत एक्स रुपए से वाई रुपए हो जाए तथा खर्च अपरिवर्तित हो तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होगा x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100%। मान लीजिए आप कोई वस्तु बाजार से खरीदने गए हैं, पहले उसकी कीमत x रुपए थी लेकिन अब उसकी कीमत बदलकर y रुपए हो गई है, तो या तो मात्रा में कमी होगी या मात्रा में वृद्धि हो गई। इसी को हमें डिस्कस करना है कि यदि किसी वस्तु की कीमत x रुपए से y रुपए हो जाए तथा खर्च अपरिवर्तित हो, अर्थात पिछले बार जब आपने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा था तो आपका रकम उतना ही था जितना आज आप लेकर गए हैं। यदि मान लीजिए इसका आंसर धनात्मक आता है, अर्थात यह निकलेगा मात्रा में वृद्धि प्रतिशत। यदि मान लीजिए इसका आंसर निगेटिव आता है तो इसका मतलब यह होगा मात्रा में कमी प्रतिशत, यह निकलेगा मात्रा में कमी प्रतिशत। इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है सेब की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, सेब की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तथा खर्च अपरिवर्तित हो तो सेब की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेब की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह मान लीजिए प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसी प्रश्न को लिखने का दूसरा तरीका होता सेब की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो सेब की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी यदि खर्च
अपरिवर्तित हो। दोनों ही प्रश्नों का मतलब एक ही है, यदि खर्च अपरिवर्तित हो। ध्यान दीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यहां पर सेब की कीमत 25 रुपए पहले थी, आपने जब पहले खरीदा था। मान लीजिए आपका सेब का खर्चा है टोटल 100 रुपए, आप मार्केट जाते हैं और 100 रुपए में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदते हैं, अर्थात 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 रुपए में आपको 4 किलो सेब मिलेंगे। लेकिन अभी यहां पर सेब की कीमत हो चुकी है 20 रुपए प्रति किलोग्राम और आपकी राशि है फिर भी उतना ही, अर्थात 100 रुपए। तो इस प्रकार से अब आपको 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 रुपए में 5 किलो सेब मिलेंगे, अर्थात सेब की मात्रा में होगी वृद्धि। जब भी कीमत कम होती है तो मात्रा में होगी वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेब की कीमत है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और यह हो रहा है 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात x की वैल्यू है 25 रुपए x से y। ध्यान दीजिएगा, x की कीमत है 25 रुपए और y की कीमत है 20 रुपए। तो फॉर्मूला है सेब की मात्रा में, सेब की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत का फॉर्मूला है x माइनस y बटा y इंटू 100%। यहां पर हम वैल्यू को रखते हैं, x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है 20, 25 माइनस 20 बटा 20 इंटू 100%, यह आएगा 5/20 इंटू 100%, अर्थात 5 × 20 ये कटेगा 25%, अर्थात यहां पर आंसर आ रहा है 25%। चूंकि ये आंसर धनात्मक है, अर्थात सेब की मात्रा में होगी 25% के वृद्धि, सेब की मात्रा में होगी 25% सेब की मात्रा में वृद्धि होगी, 25% सेब की मात्रा में वृद्धि होगी। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे आता कि सेब की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम से 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तथा खर्च अपरिवर्तित हो, तो सेब की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से वाइस वर्सा, सेब की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम से 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो सेब की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी कि खर्च, यदि खर्च अपरिवर्तित हो। अब यहां पर जो रकम है वो 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है, अर्थात मान लीजिए पहले जब आप मार्केट गए थे 100 रुपए में आपको 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा 5 किलो सेब, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है और यह हो चुका है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 रुपए में आपको 4 किलो सेब मिलेंगे, अर्थात मात्रा में होगी कमी। तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 20, y की वैल्यू हो जाएगी 25। सेब की मात्रा में वृद्धि या कमी प्रतिशत, फॉर्मूला यही रहेगा x माइनस y बटा y इंटू 100%। यहां पर डेटा हो जाएगा चेंज और इसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू है 20 जबकि y की वैल्यू है 25 बटा y की वैल्यू 25 इंटू 100% बराबर ये आएगा माइनस 5 बटा 25 इंटू 100%, 5 × 25 5 × 10 यह आ जाएगा 20, अर्थात यह रहा है -20%। जब भी आंसर माइनस में आएगा अर्थात मात्रा में होगी कमी। तो यह हो जाएगा 20% सेब की मात्रा में कमी, 20% सेब की मात्रा में होगी कमी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी वैरायटी का, ध्यान दीजिएगा। इसी वैरायटी का दूसरा प्रश्न देखते हैं,
मान लीजिए प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए से 510 रुपए हो जाए तो वस्तु की मात्रा में, तो वस्तु की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी यदि खर्च अपरिवर्तित हो, यदि खर्च अपरिवर्तित हो, यदि खर्च अपरिवर्तित हो। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए से 510 रुपए हो जाए तो वस्तु की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी यदि खर्च अपरिवर्तित हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले वस्तु की कीमत थी 500 रुपए, अब यह हो चुका है 510 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कीमत बढ़ रही है अर्थात डेफिनेटली मात्रा में कमी होगी। ध्यान दीजिएगा, यह है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है 510 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर वस्तु की हम निकालने जा रहे हैं, वस्तु की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत बराबर x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100% बराबर x की वैल्यू है 500 रुपए, तो 500 माइनस y की वैल्यू है 510 बटा 510 इंटू 100%। यहां पर 510 में से 500 जाएगा तो ये आएगा -10 बटा 510 इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये आ जाएगा आपका -100 बटा 51%। आप इसे फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं या ऐसा निकाल सकते हैं 51 एकम 51 सही यहां आएगा 49/51%, ऐसा भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं या आप इसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां चूंकि आंसर आ रहा है माइनस में अर्थात एक सही 49/51% की होगी कमी, वस्तु की मात्रा में कमी, एक सही 49/51 वस्तु की मात्रा में कमी, यह होगी वस्तु की मात्रा में कमी चूंकि आंसर आया था माइनस। मान लीजिए यही प्रश्न रहता और वस्तु की कीमत 510 रुपए से होती 500 रुपए, अर्थात वस्तु की कीमत घटती तो डेफिनेटली मात्रा में होगी वृद्धि। यहां पर 510 रुपए से हो रहा है 500 रुपए तो यहां पर डेफिनेटली मात्रा में होगी वृद्धि। फॉर्मूला यही रहेगा x माइनस वाई बटा वाई बटा इंटू 100%। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। अब x का वैल्यू है 510 रुपए और y की वैल्यू है 500 रुपए बटा y की वैल्यू 500 रुपए इंटू 100%। ध्यान दीजिएगा, आप यहां दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं तो यह आ जाएगा 510 में से 500 गया, यह आएगा 10 बटा, ये तो हो गया है बटा 5%, यह जगह 5 × 10, यहां पर 5 × 10 यह आ गया आपका 2%। चूंकि आंसर प्लस में आया है अर्थात 2% वस्तु की मात्रा में होगी वृद्धि, 2% वस्तु की मात्रा में होगी वृद्धि, 2% वस्तु की मात्रा में होगी वृद्धि। तो यह हमने डिस्कस किया एक नए वैरायटी से संबंधित प्रश्न।